आज हम उस वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नई शुरुआत दी और जनरेटर और मोटर के अंदर अपने नियम साबित किए। तो उस साइंटिस्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने जो भी आविष्कार किए वो है, उनकी बायोग्राफी है, वो सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वो साइंटिस्ट हैं सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, इनको शॉर्टकट में फ्लेमिंग के नाम से भी जाना जाता है। सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इंग्लिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट थे, जैसे भौतिक वैज्ञानिक थे। फ्लेमिंग का जन्म 29 नवंबर 1849 को लैंकेस्टर यूनाइटेड में यूके में हुआ था। इनके पिता जेम्स फ्लेमिंग कांग्रेगेशनल चर्च में मंत्री थे। फ्लेमिंग माँ मैरी अन बेजले थी, उनकी माँ का नाम मैरी अन बेजले था जो एक गृहिणी थी। फ्लेमिंग सात भाई थे जिनमें सबसे बड़े भाई थे ये फ्लेमिंग। सात भाई थे जिनमें सबसे बड़े थे फ्लेमिंग। जन्मजात से ही बहरे थे। फ्लेमिंग मैथमेटिक्स में बहुत ही ब्रिलियंट था, लेकिन वो इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं ले सका क्योंकि ट्रेनिंग के लिए अधिक शुल्क दिया जाता था जो उनके पास नहीं था। कहने का मतलब है इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। 16 की एज में फ्लेमिंग ने लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश लिया और मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स सिलेबस लिया। कहने का मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट सिलेबस लिया। घर में मनी की प्रॉब्लम होने के कारण स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में स्टडी के दौरान पार्ट टाइम जॉब करने लगे। 1870 में 20 साल की एज में फर्स्ट डिवीजन से बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली और 1872 में एक टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद फ्लेमिंग ने साउथ केंसिंगटन में साइंस स्कूलों में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के रूप में दाखिला लिया और बाद में ये इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया था। 1874 में फ्लेमिंग ने चेल्टनहैम कॉलेज में एक साइंस टीचर के रूप में वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्थिति खराब थी, कुछ ना कुछ अर्निंग करना ज़रूरी था और अर्निंग करने के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाए रखा। टीचर पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने माइकल फैराडे के वर्क पर स्टडी की। माइकल फैराडे ने जितना भी वर्क किया, जो भी आविष्कार किया, उससे रिलेटेड वो उनसे के ऊपर स्टडी करते रहे। 1875 में फ्लेमिंग ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पर रिपोर्ट दी। इस दौरान फ्लेमिंग ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के कार्य की स्टडी करने का विचार किया और फ्लेमिंग ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के साथ एक पत्राचार कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया, मतलब पत्रों के माध्यम से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। 1877 में 27 की एज में फ्लेमिंग ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर को समझा। मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकत्व संबंध जो भी लेक्चर दिया उससे संबंध उसको समझा। 1879 लंदन यूनिवर्सिटी में फ्लेमिंग को DSSC को उनकी थेसिस के लिए, थेसिस कहा जाए एक निबंध, प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट के लिए सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उसका क्या किया था, ट्रीटमेंट किया था। 1880 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन व ऑनर से अवार्ड किया। 1880 से 1882 तक फ्लेमिंग ने यूनिवर्सिटी में लेक्चर के रूप में वर्क किया। 1882 में लंदन में एडिसन लाइटिंग कंपनी के एडवाइज़र बन गए और 1885 उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर रूप में पोस्टेड किया। 1899 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में वर्क जारी रखा और फ्लेमिंग ने मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी के एडवाइजर ग्रुप में कार्य किया और जो जो इनके आविष्कार थे वो आविष्कार किए, थर्मिओनिक वाल्व, वैक्यूम ट्यूब या डायोड वाल्व या फ्लेमिंग वाल्व नाम जाना जाता है। नेक्स्ट आपका राइट हैंड टूल एंड लेफ्ट हैंड टूल। नेक्स्ट है डिजाइनिंग रेडियो ट्रांसमीटर, इन सब का इन्होंने आविष्कार व स्टेटमेंट दिए और इनको जो जो अवार्ड मिले वो अवार्ड ये हैं, हगेस मेडल, अल्बर्ट मेडल, हगेस मेडल, अल्बर्ट मेडल, फैराडे मेडल, डडेल मेडल, आईआरई मेडल ऑफ ऑनर, फ्रैंकलिन मेडल। ये इनका एज भी दे रखा है, ईयर भी दे रखा है किस साल में इन्होंने, ये 1921 1928 1930 1936। फ्लेमिंग की नेशनलिटी ब्रिटिश व एफआरएस प्राप्त थी। इनका डॉक्टरल एडवाइजर करने का मतलब इनका जो एडवाइजर थे वो साइंटिस्ट फ्रेडरिक गुथेरी थे। इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1945 95 की एज में इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में हो गई थी।
इस प्रकार के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल में डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के माध्यम से ये समझाया कि घूमने वाला भाग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। उसके बाद में डीसी मोटर में भी इन्होंने लेफ्ट हैंड रूल से ये समझाया कि घूमने वाला भाग में टॉर्क जनरेट होता है। तो इस तरीके से और साथ साथ में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत या प्रारंभ में इतना बड़ा योगदान दिया 1904 में कि थर्मियोनिक वाल्व या जो फ्लेमिंग वाल्व या डायोड वाल्व जो बने उन्होंने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रारंभ माना गया। तो यह साइंटिस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रारंभ करने वाले साइंटिस्ट थे। तो जैसा कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो ही लाइक करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।